जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? मैं पंडित यशपाल जी महाराज आज गंडमूलों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। कई बारी व्यक्ति बहुत सारे कारोबार करके थक जाता है, नौकरी में बार बार कामयाब नहीं हो पाता है, या पारिवारिक क्लेश रहता है, यारी दोस्ती में बहुत जल्दी खटास आ जाती है, तो इसके पीछे कई बारी गंडमूलों का भी कारण हुआ करता है। और गंडमूल क्या होते हैं, क्या आप गंडमूलों में पैदा तो नहीं हुए हैं, ये जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। जिन लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया वो ज़रूर कर लें, ताकि आगे मैं ज्योतिष के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दूंगा, वो आपको प्राप्त होती रहें। देखिए, ज्योतिष के अनुसार 28 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, ये 28 नक्षत्र होते हैं। लेकिन इन 28 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र जो अभिजीत है उसको नहीं गिना जाता है राशियों में, यानी 27 नक्षत्रों को लिया गया है। अब इन 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूल के कहलाते हैं। और ये 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं, जैसे चू, चे, चोला, इन अक्षरों से अगर आपका नाम है तो आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं और अश्विनी नक्षत्र को गंडमूलों में गिना गया है। दूसरा अश्लेषा, डी डू डे डो, इन अक्षरों से अगर आपका जन्म का नाम निकला है तो आप अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और अश्लेषा नक्षत्र को भी गंडमूलों में गिना गया है। तीसरा नक्षत्र है मघा, यानी कि मा, मी, मू, मे, इन अक्षरों से अगर नाम आपका आता है तो आप मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और ये गंडमूलों में है। फिर चौथा नक्षत्र आ जाता है ज्येष्ठा, नो, या, यी, यू, इन अक्षरों से अगर आपका जन्म का नाम आ रहा है तो आप ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र को भी गंडमूलों में गिना गया है। उसके बाद में आ जाता है मूल नक्षत्र, ये, यो, भा, भी, इन अक्षरों से अगर जन्म का नाम आपका आ रहा है तो आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं और इसकी शांति बहुत जरूरी है। और छठा नक्षत्र है रेवती, यानी दे, दो, चा, ची, इन चार अक्षरों में से अगर किसी अक्षर से आपका नाम शुरू हो रहा है तो आप रेवती नक्षत्र में पैदा हुए हैं और ये भी गंडमूलों में गिना जाता है। तो 27 नक्षत्रों में ये 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो गंडमूलों के होते हैं। इनका जाप बहुत जरूरी होता है, इनकी पूरी विधि जरूरी होती है और पूरी विधि के अनुसार अगर इनका समाधान कर दिया जाता है तो निश्चित है गंडमूलों का दोष नष्ट हो जाता है। और गंडमूलों का दोष अगर नष्ट हो जाता है तो उसी दिन से आपको कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। मेरे पास में बहुत सी ऐसी कुंडलियां आती हैं जिसमें इस प्रकार का दोष होता है और उनका जब समाधान हो जाता है तो उसके तुरंत 21 दिन, 31 दिन या 41 दिन के बाद में ही तुरंत बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, निराश नहीं होना है, समाधान की आवश्यकता है। अगर इन अक्षरों से आपका नाम है तो आप गंडमूलों में पैदा हुए हैं, आप तुरंत किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से आप संपर्क करें या आप हमारे यहाँ, हमारा YouTube पे नंबर दिया हुआ है तो आप उस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ आकर के मिल सकते हैं, आपको उसका पूरा उपचार बताया जाएगा, पूरा समाधान बताया जाएगा और जब समाधान होगा तो उसका पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम।